दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के नैनपोरा बचपोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि आतंकियों की पहचान की जा चुकी है। इस पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है और साथ ही साथ कहा कि मस्जिद में छिपे होने की वजह से ऑपरेशन में देरी हुई और जिसके बाद उन्हें कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया, परंतु उन्होंने हथियार डालने से मना किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। कल यानी 10 मार्च को 5 चुनावी राज्यों के नतीजे घोषित किए गए, जिसके बाद से अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय जम्मू में भी धूम देखने को मिली। इस मौके पर अगर बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही साथ कई सीनियर नेता ढोल नगाड़ों की धूम पर नाचते और थिरकते नजर आए और साथ ही साथ मिठाइयां बांटते हुए भी। पंजाब में आपका जादू चला, जिस तरीके से पंजाब में आपने ये अपनी सहमति जताई और साथ ही साथ बताया कि वहां पर अब दिग्गज सरकारें उनके आगे नहीं टिक सही हैं, जिसके चलते जम्मू स्थित गांधीनगर पार्टी कार्यालय में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जश्न का माहौल देखने को मिला। इस जश्न के माहौल के अंदर अगर बात करें तो हर कोई धूम मचाता हुआ नजर आया और साथ ही साथ हाथों में जो है चुनाव चिन्ह यानी कि झाड़ू पकड़े हुए कहा कि आपने बाकी सभी पार्टियों पर झाड़ू फेर दिया है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर के दिशा निर्देश जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रामबन अध्यक्ष DLSA की देखरेख में रामबन हक नवाज जरगर में एक राष्ट्रीय लोक का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जो है कोविड उचित व्यवहार के पालन का भी ध्यान रखा जाएगा और ये 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसकी पूरी जानकारी मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी रामबन की उप न्यायाधीश अंजुम आरा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। रियासी के आमंत्रण वेंकट हॉल में नो हार्ट अटैक मिशन 2025 के तहत रियासी में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र कोल ने बताया कि हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं और इसे किन किन चीजों से बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त मैडम बबीला रखवाल, DDC चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग, ASP सुरजीत कुमार भगन, नगर परिषद चेयरमैन सुदेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित नजर आए। रामगढ़ सेक्टर के स्वांखा गांव में DDC चेयरपर्सन सांबा केशव दास शर्मा और BDC चेयरमैन दर्शन और कई सरपंचों सहित विभाग के अधिकारियों ने 2,72,00,000 की लागत से 10 MVA बिजली का रिसीविंग स्टेशन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। बता दें कि ये रिसीविंग स्टेशन 3 महीनों में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर DDC चेयरमैन ने कहा कि इस रिसीविंग स्टेशन के बनने के बाद 10,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बार जहां समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले बेहतर तो किया, लेकिन बहुमत से काफी पीछे रह गई। सबसे शर्मनाक स्थिति बसपा और कांग्रेस के लिए थी, जो कि 5 सीटें जीतने में भी सफल नहीं हो पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी में कई बड़े दिग्गज दराशायी हो गए। इनमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, DC OP सोनी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तक के नाम शामिल है। यूपी के चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। गुरुवार को सुमी में 600 भारतीय विद्यार्थियों के अंतिम जत्थे को सुरक्षित निकालकर पोलैंड भेज दिया गया है। इन्हें वहां से भारत लाया जाएगा। सुमी में रूसी सेना भारी गोलाबारी कर रही है। भारत के आग्रह पर इन्हें सुरक्षित गलियारा देकर निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग कर सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के संभावित उपयोग की चेतावनी दी है। उधर रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका
यूक्रेन में जैविक हथियार एकत्रित कर रहा है। साकी ने यूक्रेन के इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि रूस के आरोप झूठे और बेतुके हैं।